सो गाइज, अगर कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है एंड ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट रखता है, सीखने में इंटरेस्ट रखता है और अर्न करने में इंटरेस्ट रखता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे वर्क लिख के मैसेज कर सकते हो। मैं आपको 24 आवर्स में कांटेक्ट करूँगा एंड मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप 7 to 10,000 रुपीज़ पर वीक बना सकते हो। बट इंडिया से हो तभी कर सकते हो, इंडिया के बाहर हो तो मैं नहीं हेल्प कर पाऊँगा, माजरत चाहता हूँ, प्लीज़। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज आई एम परम, हरमान, आई एम मंजू, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू आवर आवर चैनल चैनल गाइस। सो गाइस। गाइस, मतलब मेरे को ना मैसेजेस आ रहे थे भाई, मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि आपका थंबनेल कहीं पे यूज़ हुआ है। मैंने जब देखा तो मैंने ये वीडियो देखा कि भाई यहाँ पे थंबनेल यूज़ किया है किसी एक अंकल ने हमारा, इनका नाम है अलामा हिशम इलाही जहीर का जवाब। ओके, ये मैसेज टीवी से है, ये जो मतलब ये जो वीडियो है मैसेज टीवी पे है। अब ये मैसेज टीवी पे आई डोंट थिंक कि ये उनका खुद का चैनल है, ये अलामा साहब का आई डोंट थिंक के, बट उन्होंने हमारा थंबनेल क्यों यूज़ किया भाई? हमने कुछ गलत कुछ कांड वांड किया क्या? मतलब मेरे को देखना है। एंड उन्होंने थंबनेल मतलब उन्होंने हमारा तो कुछ जिक्र किया नहीं है इसमें, टाइटल वगैरह में भी इंजीनियर साहब का ही जिक्र किया हुआ है, बट इंजीनियर साहब की क्यों नहीं लगाई, हमारी क्यों लगाई, वो जानना है मेरे को। उस चीज़ की क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी, आई एम क्यूरियस अबाउट दिस। एंड बीजेपी की गुस्ताखी और इंजीनियर अली मिर्ज़ा का खतरनाक बयान, इतना अच्छा तो बयान दिया था, इतना अच्छे तरीके से तो समझाया था बहुत अच्छे उन्होंने, से समझाया है, इतने बहुत इतने अच्छे। अच्छे से समझाया था कि हम भी समझ गए थे। तो इनको क्या दिक्कत है, देखते हैं अभी, और उसके बाद हम अपना भी बताएंगे कि हमें क्या लगता है हाँ उसके बारे में। आप रुकिएगा ज़रा एंड हमारी बात सुन के जाइएगा, हम भी बोलेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर। सो गाइस, चलिए देखते हैं ये साहब क्या बताते हैं, तो लेट्स स्टार्ट दिस इसमें का वीडियो। मिर्जा झेलम का मिर्ज़ा, पूरे दुनिया के अंदर उस औरत की मुजम्मत की गई, नूरपुर शर्मा के बयान की, नुपुर पूरी नुपुर दुनिया के नूरपुर नहीं, मुसलमानों ने मुजम्मत की है, नुपुर पूरी शर्मा दुनिया के अंकल, मुसलमानों ने, हुकूमतों ने, पहला मौका आया, अरबों ने पांव के साथ पांव, कंधे नूरपुर के साथ कंधा मिला के मुसलमानों ने एक मौकफ इख्तियार किया, वो जेलम का मिर्जा, जेलम, जिसको आप मिर्जा जेलमी के नाम से जानते हैं, वो उठा, उसने बयान दिया कि नूरपुर शर्मा ने नूपुर जो नूपुर तोहीने रिसालत की है उसके अंदर मुजरम मुसलमान है। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है शुक्र है जो हमारी किसी वीडियो के नहीं लगाई। रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। ये कैसा बदबख्त आदमी है, ये कैसा बेईमान है, ये कैसा जालिम है। कहने लगा कि जी नूरपुर शर्मा का वो जो प्रोग्राम है आप देखें, और वल्ला मैंने सिर्फ मैंने नहीं था देखना, मेरी मेरे अंदर ये अपनी अपनी कफियात की बात होती, मैं सुन लेता हूं लोगों से, लेकिन मेरे में ये बर्दाश्त नहीं होती कि मैं देख सकूं, लेकिन इस बदबख्त की गुफ्तगू के बाद मैंने देख भी लिया, और ये इतना बड़ा झूठा और कज़ाब है, इसने क्लिप बनाया है कि आप वो प्रोग्राम देखें, आपको पता लगेगा कि मुसलमानों ने हिंदू मजहब की तोहीन की थी, और नूरपुर शर्मा ने रिबटल के तौर के ऊपर, जवाब के तौर के ऊपर, इल्जाम के तौर के ऊपर ये बातें की है। जब आप किसी के मजहब को छेड़ेंगे वो आपके मजहब के ऊपर हमला करेगा, ये ऐसा बदबख्त है, उसकी तर्जुमानी करना शुरू कर दी। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है, और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रिलीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रिलीजन पर हमला करेगा, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं चला था, एक हादसाती तौर पर टीवी टॉक शो में हो गया और उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया बीजेपी ने। उसकी तर्जुमानी किसकी? नूरपुर शर्मा की। मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, अल्लाह की कसम किसी मुसलमान ने नूरपुर शर्मा को उकसाना तो दूर की बात है, राई बराबर भी नहीं छेड़ा, और ना किसी ने हिंदू मजहब की रत्ती बराबर तोहीन की। ये इस कदर झूठा है, ये इस कदर कज्जाब है। पहले ये साहबा की इस्मत के ऊपर हमलावर हुआ, अब ये बताइए फिर हम कहते हैं राफजी है बेईमान, तो लोग कहते हैं आप इसको राफजी क्यों कहते हैं, उम्महातुल मोमिनीन की तोहीन हो चुकी, और ये वो तुहीन करने वाले का नुमाइंदा बन गया, और नुमाइंदा बन के कह रहा है, और ये इतना बड़ा झूठा है। जब भी इसको कहा जाए तूने ये कहा था, अगले दिन क्लिप बना लेता है, मैंने ये नहीं था कहा, मैंने ये कहा था, उसका सियाको सबाग झूठ के ऊपर झूठ। हमारे साथियों के ऊपर साहबा से ज्यादा आजमाइशें आई हैं, हमने इसकी गिरफ्त की तो कहने लगा ये मतलब नहीं था, उसका मतलब ये था, फिर झूठ। कादियानी जी अहले किताब से बेहतर है, गिरफ्त की, और मैंने ये नहीं था कहा,
फिर झूठ, छड़े हाफत की कोई फजीलत नहीं, गिरफ्त की मैंने ये नहीं था कहा, झूठ के ऊपर झूठ बोलता चला जा रहा है। और अब अगर इसकी इस मौजू के ऊपर गिरफ्त की जाएगी कि तूने किस बुनियाद के ऊपर गुस्ताहे रसूल की तर्जमानी की है, ये बदबख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन को भी रिएक्शन कह रहा है और झूठ बोल रहा है। अल्लाह ताला इस फितने से इस उम्मत को निजात दे। ये फितना बढ़ता चला जा रहा है और ये ऐसा फितना है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से लोगों के अंदर निकले, ये लोगों अवाम के अंदर निकलने के काबिल नहीं है। और ये समझते हैं कि ये जो हमारे चंद लाइक्स हैं और चंद फॉलोअर्स हैं और ये जो चंद हमारे पीछे चलने वाले हैं, ये जो यूट्यूब के ऊपर, शायद यही कुल दुनिया कुएं के मेंढक को, कुएं ही पूरी कायनात और पूरी दुनिया लगती है कुएं का मेंढक। कुएं से बाहर निकले तो उसको पता चले दुनिया क्या है। ये हर वक्त सहाबा के खिलाफ हरदा सराई, आज हुरमत रसूल के मौके के ऊपर जब उम्मत के एक होने का वक्त था, उसके अंदर भी अपने गद्दारों को पहचानिए, आपकी पुश्त के ऊपर जो छुरा घोंप रहे उनको पहचानिए, यही वो लोग हैं। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो। अभी जैसे कि आपने देखा, इसमें अलामा साहब ने मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी जैसे हमने देखो, सीधी सी बात है, सबसे पहली ज़रूरी बात ये होती है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अगर किसी को वीडियो देखनी है ना, तो उनके नियत, उनका इंटेंशन वो वीडियो का और उनका जो कॉन्टेक्स्ट है आगे पीछे की बात, एक लाइन को पकड़ के नहीं, जैसे अभी उन्होंने एक लाइन दिखाई ना, मतलब उन्होंने वो वीडियो चलाई साइड में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एंड एक ही लाइन दिखाई, आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट बताया ही नहीं। एंड मतलब किसी को बदनाम करके झूठा, ये अच्छी बात नहीं है, मतलब सही बात है कि नहीं। देखो, अगर इनको दीन फैलाना है ना, तो इनको दीन फैलाना चाहिए, दीन की बात करनी चाहिए, ना कि लोगों की बात करनी चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं या फिर उसने ऐसा, उसको मतलब बदबخت गालियां वालियां देनी, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, उसने जो गलत किया है उसको गलत बोलो, किसी को मतलब वो ज़ुबान से ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला है, बट नहीं बोलना चाहिए। और बोलना भी तब है जब वो इंसान सच में गलत है, या तो पूरा अच्छे से सुनना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि नूपुर शर्मा गलत है, पहली बात तो वो नूरपुर शर्मा नहीं है, नूपुर शर्मा है। एंड दूसरी बात ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ऐसा नहीं बोला था कि वो सही है, उन्हें ऐसा बोला था, कुरान का तर्जुमा किया था उन्होंने, नूरपुर शर्मा का तर्जुमा, मैं भी कहूँ नूरपुर शर्मा का तर्जुमा नहीं किया था, कुरान का उन्होंने अल अनाम आयत का, उन्होंने मेरे को याद है उन्होंने बोला था कि अल्लाह ने ये फरमाया है कुरान में कि किसी के मज़हब के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, किसी के मज़हब के ऊपर गलत नहीं बोलना चाहिए, उनके जो माबूद हैं उनके बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके बारे में गलत बोलोगे तो वो आपके खुदाओं के बारे में गलत बोलेंगे, तो इस वजह से उनको गलत ना बोलो। तो उन्होंने यही बोला था। एंड उन्होंने ऑब्वियसली जो नूपुर शर्मा है वो तो 100% गलत है, उसमें कोई हमें मतलब उसके बारे में बहस करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो गलत है तो गलत है, सिंपल सी बात है। बट शी डोंट नो हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, सीधी सी बात है, उसको पता ही नहीं है। एंड वहाँ पे वो टॉक शो में बैठी थी, एंड वहाँ पे मीडिया पता क्या करती है, मीडिया एक दूसरे रिलीजन वाले बंदे को बिठाती है, एक दूसरे रिलीजन वाले बंदे को, एंड वो दोनों एक अपने अपने रिलीजन के, एक दूसरे के रिलीजन के खिलाफ गलत बयानी करते हैं, एंड ये बहुत गलत बात है। बाकी हमने तो ये वीडियो इसलिए लगाया था कि हमें लगा यार हमारा कुछ होगा इसमें, है ना, मतलब हमारे बारे में कुछ हमने कुछ किया भाई हमें भाई, बट हमारा कुछ था ही नहीं यार, सिर्फ थंबनेल लिया हमें, मतलब ये गलत है यार, थोड़ा गलत बात है ये। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो भी बताइएगा, नहीं सहमत हो तो भी बताइएगा, डिसलाइक कर दो या लाइक कर दो, आपके हिसाब से। सो गाइस, थैंक यू सो मच।